मेरे को याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। हमारा लोकसभा का चुनाव का बाद में जब हमारा इतना एमपी जीता जनता का ओर से, तो मेरे को इन लोगों के साथ कभी आने का मौका नहीं मिला। तो अभी पार्लियामेंट चल रहा है और मैंने राष्ट्रपति जी का तबीयत का लिए हम आया है उसको देखने के लिए, वो कैसा है और अच्छा है, लेकिन मैं देखने के लिए आई हुई है। साथ साथ में मैंने सोचा जब पार्लियामेंट चल रहा है तब क्यों नहीं जाए, एक दफे जाके हमारा सबके साथ, हमारा जाने मान दोस्त भी बहुत है, बहुत सारे पार्टी भी है, उसके साथ भी भेंट होता है, पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल तो सबका लिए है, मीडिया का साथ भी भेंट होता है, तो उसी के लिए मैंने आया। दीदी एक सवाल छोटा सा है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, बीजेपी कह रही है कि शारदा घोटाले का मामला जो है वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं तक जा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी रोज प्रोटेस्ट कर रही है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रही है, उनके पार्टी के एमपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि घोटाले में उनके एमपी फंसे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी जिसका सब घोटाला का कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप एक एमपी का बात करें जिसको हम अरेस्ट किया, उसको पेपर में था, हम तीन जर्नलिस्ट को, चार जर्नलिस्ट को हम नॉमिनेशन दिया था कि मीडिया का ओर से हमने देखा कि ये लोग भी बहुत काम करते हैं लेकिन इसको कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है, तो इसी के लिए तीन जर्नलिस्ट को हम नॉमिनेशन दिया था, वो हमारे पार्टी से ऐसा जुड़ा नहीं था, तो एक जर्नलिस्ट के खिलाफ में जो है कंप्लेन उसको तो अरेस्ट किया था हम लोगों ने खुद। और घोटाला का साथ तृणमूल कांग्रेस का संबंध नहीं है, जो घोटाला आसाम ऐसे उड़ीसा बहुत सारे राज है जिसमें चिट फंड का नाम पे, चिट फंड इज नॉट इलीगल बट इन द नेम ऑफ चिट फंड वॉट चीटिंग द पीपुल दैट इज द इलीगल थिंग। नाउ इसके लिए हम लोग तो 2011 का मई में आया, उसका पहले एक चीज आपको बताना पड़ेगा, एक तो है कि चिट फंड बंद करो ना, एक जो है ये है कि ये सेंट्रल है, सेंट्रल का जुरिस्डिक्शन है चिट फंड, कंपनी अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होता है, रिजर्व बैंक और सेबी का अंतर्गत में आता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून ही नहीं है इसको खिलाफ में कुछ करने के लिए, इसी के लिए हम लोगों ने इसको रेज किया। हम लोगों ने इसके लिए दो तरह असेंबली में बिल पास किया कि हमारा स्टेट में एम्पावर कुछ नहीं किया गया है जिसमें हम उसको प्रॉपर्टी कोक करें और जनता के पास वापस दे, पहले हम लोगों ने असेंबली में पास किया और गवर्नमेंट को वापस भेजा कि आप लोग इसको साइन करके दो। 6 महीना बीत गया है, वो लोगों ने कहा थोड़ा और भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर हमारा स्टेट में वापस भेजा, फिर हम लोगों ने असेंबली में पास किया कानून करके, फिर गवर्नर को साइन किया है करके दूसरी बार हम लोग सेंट्रल का पास में भेजा, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। चिट फंड का जो बात है इसको बात खिलाफ में कानून करने के लिए सेबी है, रिजर्व बैंक है, अगर ये लोग इतना रुपया कमाया तो रिजर्व बैंक क्या कर रहा था, सेबी क्या कर रहा था? अभी भी हम लोग चाहते हैं इसको खिलाफ में एक्शन हो, इसी के लिए सेबी को जो अमेंडमेंट किया हम लोगों ने फुल सपोर्ट दिया है, सपोर्ट भी देना नहीं चाहिए था उसको, गलती तो है। और अगर ये बात करते हैं, हम चाहते हैं खाली शारदा नहीं, सब में जितना चिट फंड हुआ 100 से ज्यादा है, क्यों कार्रवाई नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? शारदा में 2000 करोड़ का चीटिंग है, इधर में एक हमने सुना है पीसीपीएल का के क्या है, इधर में पीएसीएल जो है इसमें 49,000 करोड़ का घोटाला है, 49,000, अगर उसमें 2000 करोड़ है तो इसमें 49,000 है। इसमें समझो कि हमारा एक पेपर मेरे को पास है, उसमें पूछा गया है सीबीआई को कि अगर आप लोगों ने, आपको तो कोर्ट वर्डिक्ट दिया था इसको खिलाफ में एक्शन लेने के लिए, तो आपने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं अरेस्ट किया? तो कहा गया है कि वो कोऑपरेशन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, इसी के लिए उसको खिलाफ में कार्रवाई नहीं किया गया है। तो देखो 2000 करोड़ के लिए चिल्लाता है, उसको भी अरेस्ट हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने नहीं किया है। अरेस्ट हम किधर से किया है? द्रास से किया है, वो कश्मीर में द्रास बतालिक है और द्रास से किया है हमने, उसको खिलाफ में उसको अरेस्ट किया, चार्जशीट कर दिया है, हमारा एमपी को चार्जशीट कर दिया है। उसका बाद हम जुडिशियल कमीशन बनाया, जुडिशियल कमीशन के रिकमेंडेशन पे एक ही स्टेट है जो 5 लाख इंडिविजुअल लोगों को हम रुपया वापस दे दिया है। अगर 17 लाख टोटल है तो 5-5 10 लाख इसमें कवर हो गया है,
लेकिन एक साल से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वापस क्यों नहीं दे रहा है एक पैसा भी? ईडी है, एसआईटी है, सीबीआई है, आज तक एक भी पैसा जनता को वापस नहीं दिया है। हम देने चाहते हैं लेकिन हमको देने के लिए प्रॉपर्टी कट करने का हमको कानून बनाया, वो कानून भी हमको पास नहीं दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी हमारा पैसा भी नहीं है, सब पैसा कट के लेता है। दे आर वेरी जेलस अगेंस्ट ऑफ बंगाल। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर द ओनली गवर्नमेंट बैक द मनी, रिटर्न बैक द मनी 500 इंडिविजुअल्स, 250 करोड़ रुपया हमारा ट्रेजरी में रुपया नहीं है, तब भी हमने किया गरीब लोगों के लिए। और चिल्लाता है मदर ऑफ थीफ्स आर साउथ मोस्ट, चोर की माए जोर से बोले। आप एक बताओ, अगर सीबीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोफेशनलिज्म में काम करना चाहिए, इसको पॉलिटिकल मोटिव में नहीं करना चाहिए। अगर इसको काम करना आता है तो आप बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज जीता था, उनका जो नोबेल प्राइज चोरी हुआ था सीबीआई को दिया था वो केस को करने के लिए, आफ्टर 10 इयर्स 10 साल बाद कहा गया है सीबीआई केस क्लोज कर रहा है, नहीं कर सकता है। हमारे उदाहरण देखो, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में एक्सीडेंट हुआ है, 200 करीब लोग मर गया था, सीबीआई किया था मैंने रेल मिनिस्टर होने का नाते, कुछ नहीं हुआ। सिंगूर में सीबीआई किया था, कुछ नहीं हुआ। रिजाउनुर रहमान का केस में सीबीआई किया था, कुछ नहीं हुआ। नंदीग्राम में सीबीआई किया था, कुछ नहीं हुआ। नेताई में सीबीआई किया था, कुछ नहीं हुआ। तो क्या है सीबीआई गवर्नमेंट का क्या टूल होता है? इफ यू आस्क मी, ए द रोल पॉलिटिकल वेंडेटा, इफ यू आस्क मी बी द रोल पॉलिटिकल वेंडेटा, इफ यू आस्क मी सी द रोल पॉलिटिकल वेंडेटा। ये क्या है जो हम लोगों ने कार्रवाई किया है, और जो किया है जो स्वच्छ ट्रांसपेरेंसी लेके काम करते हैं उसको चोर बोलता है, और जो चोरी करता है वो देश का नेता बन जाता है। ये कैसा है? आपको क्या लगता है? दैट इज पॉलिटिकल। आई सेड इफ यू आस्क मी ए पॉलिटिकल वेंडेटा, इफ यू आस्क मी बी आई विल से पॉलिटिकल वेंडेटा, इफ यू आस्क मी सी इट्स ए पॉलिटिकल वेंडेटा। बट दिस इज द ओनली पार्टी वी आर फाइटिंग बैटल अगेंस्ट ऑफ बीजेपी एंड दे आर वेरी मच जेलस ऑफ अस, सो दे थिंक दैट एवरीबॉडी इज कीप क्वाइट, सो लेट द तृणमूल कांग्रेस इज फाइटिंग बैटल अगेंस्ट ऑफ अस, उसको जो भी मर्जी उसको बुलडोज कर दो। डेमोक्रेसी को कभी बुलडोज नहीं किया जाता, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी बुलडोज और इम्पोज। कोई मीडिया कुछ लिखे तो उसको बुला कर बोलता है क्यों लिखा है, कोई टीवी को बोलता है जाओ ए मेरे को एयरपोर्ट में, मैंने 3-4 दिन पहले सुना कि मेरे को 2-3 जाने माने लोग आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से, तो बोला हम लोग खेला देखा रहा था टीवी में, तो सडनली आके एक जन को भाषण सुना दिया एक लीडर का, तो हम लोग पूछा थे हम खेल